जो कहानी है वो कहानी है सिर्फ एक चीज की डिटर्मिनेशन की कि अगर इरादा कर लिया तो वो करना है आपके पास पैसा हो रिसोर्सेज हो या ना हो आदमी अपनी विल पावर के साथ जो इंसेस्टर्स थे व राजा दस हजार ही थे दस हजार की उनके पास स्टैंडिंग फोर्सेस थी अगर आप सिख हिस्ट्री को पढ़ेंगे जो काबुल फोर्ट का चार्ज हरि सिंह नलवा जी से लिया गया था वो राजा मानसिंह ने लिया था वो राजा मानसिंग हमारे पुरख थे वक्त बदलता है पार्टीशन के बाद हम सब दिल्ली आके सेटल हो गए माय फादर स्टार्टेड अ जॉब इन अ गवर्नमेंट सर्विस 1962 में मैं पैदा हुआ अब कैलकुलेशन मत करनी शुरू करो कि उम्र कितनी है ओके राइट जन्म कुंडली में अपनी किसी को देता नहीं ना वक्त बताता हूं कितने बजे पैदा हुआ था आई वॉज बॉर्न इन टू अ फैमिली जो जारी थी टू क्राइसिस तो जब मैं छोटा था जब मेरी मदर ने पहला एक मेरे से सवाल पूछा जो ज्यादा कर बच्चों से पूछा जाता था वो मुझसे मेरी मदर ने पूछा कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे you know, आज के दिन पे मैं उसको एनालाइज करता हूं कि मैंने अपने लिए बिजनेस मैन बनूंगा ये कैरियर का चुनाव क्यों किया बचपन में मुझे किसने कोई डायग्राम बना के बेनिफिट प्रोज एंड कॉन की स्टेटमेंट कुछ नहीं दी थी बट मोस्ट प्रॉब्ली वो जो बॉल में खरीदना चाहता था वो कपड़े खरीदना चाहता था अगर कोई और कुछ कर रहा होता था जब मैं उसको चाहता था अपने पेरेंट्स के पास जाता था वो कहते थे नहीं अभी नहीं बेटा राइट वो नहीं सुन सुन के शायद मुझे लगा कि हमारी फैमिली के अंदर उतना पैसा नहीं है जो मैं जो चाहता हूं मेरी जरूरतें पूरी हो सके तो मेरे एक चीज एनालाइज कर लिया कि अगर नौकरी के अंदर इतना नहीं मिल सकता सबसे सुनने को यही मिलता था जो बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है तो मुझसे मेरी जब मदर ने पूछा बड़े होके क्या बनोगे ऐसे मैं बिजनेसमैन बनूंगा मेरी मदर को आ गई टेंशन उन्होंने कहा बेटा देख ऐसा है कि बिजनेस जो होता है वो लोगों के खून में होता है हमारे खून के अंदर बिजनेस नहीं है देख तू भी नौकरी तेरे फादर भी नौकरी करते उनके फादर ने भी नौकरी की उनके दादा ने भी नौकरी की राइट right? इंसिडेंटली मेरे ग्रेट ग्रांड फादर जो थे उनके पास राय साहब का खिताब था ही वॉज पर्सनल सेक्रेटरी टू महाराजा ऑफ कश्मीर महाराजा प्रताप सिंह जगीरदार वगैरह एवरीथिंग पर समय बदलता है यू नो पीपल दो आर मास्टर्स इन Sciences, of of मेरी मदर ने मुझसे कहा कि सब नौकरी करते हैं तो तुम भी नौकरी करना चलो मैं चुप कर गया थोड़ी देर के बाद कुछ साल के बाद मेरी मदर ने फिर पूछा बेटा आप क्या करोगे मैंने कहा मां मैं बिजनेस करूंगा उनको फिर एक शौक लगा उन्होंने कहा देख ऐसा है देखिए जिंदगी के अंदर आपको हजारों लोग कई दलीलें देंगे कई एग्जाम्पल्स देंगे आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे उस चीज से जो आप करना चाहते हैं पर आपको चुनना क्या है आपको अपना राइट पाथ सुन, चुनना है जो आप करना चाहते हैं जिंदगी आपको कितनी मिली है एक क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे लेके जाओगे जाओगे तो अपना नाम साथ लेके जाओगे राइट right? जो आपके पास एक वो जिंदगी है उसके अंदर कुछ अलग करना है तो मेरी मदर ने मुझे समझाने की कोशिश की देख बेटा तेरी दो बड़ी बहनें हैं उनकी शादी भी करनी है तेरे फादर की सैलरी में से जो आती है उसमें से हम बचत कर रहे हैं ताकि उनकी शादी हो तेरे को भी पढ़ाना है जब रिटायर होंगे तो जो ग्रेचुअली प्रोविडेंट फंड मिलेगा उससे हम घर खरीदेंगे पेंशन आएगी उससे अपनी जिंदगी चलाएंगे बिजनेस को करने के लिए पैसे की जरूरत होती है जो हम तुम्हें नहीं दे सकते मेरा ख्याल से तब उनको पता नहीं था कि एक समय आएगा जब हिंदुस्तान के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग होगी जहां पे पैसे की जरूरत नहीं होगी लोग सिर्फ अपनी हिम्मत और अपनी मेहनत और अपनी हार्ड वर्क के साथ अपनी जिंदगी को बदल सकेंगे समय बीता जब मैं टेंथ में गया लास्ट टाइम मेरे मदर ने मैं पूछा बेटा क्या करोगे मैंने कहा बिजनेस I don't know, किस्मत में क्या लिखा है पर मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी चलिए मेरा भाग्य तो खुल गया कि मेरी अपनी किस्मत मैंने खुद लिख ली बट वेस्टीज एक फैमिली वो बनी जिसके अंदर जो लोग किस्मत अपनी खोलना चाहते हैं वो अपनी जिंदगी को खोल रहे हैं बिकॉज वी क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म वी क्रिएटेड अ वेंचर जिसके अंदर आप जो चाहें जैसे चाहें आगे बढ़ सकते हैं